क्या आप जानते हैं कि जो रूस कभी भारतीय मेडिकल डिवाइसेज को घटिया बताता था, अब वही रूस भारत के सामने हाथ फैलाकर इन्हीं डिवाइसेज की मांग कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो रूस ने अपनी राय बदल दी? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे का सच। भारत में बनाई गई मेडिकल डिवाइसेज की गुणवत्ता अब विश्व स्तर पर पहचान बना रही है। रूस, जो कभी इन प्रोडक्ट्स को घटिया बताता था, अब इन्हीं मेडिकल डिवाइसेज की भारी मांग कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इससे रूस को जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका से मेडिकल डिवाइसेज की सप्लाई बंद हो गई। युद्ध के कारण रूस में मेडिकल डिवाइसेज की भारी कमी हो गई और मरीजों का इलाज मुश्किल हो गया। इस दौरान भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा और इसका भुगतान भारतीय रुपयों में किया। इससे भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए और रूस ने भारत की ओर रुख किया। आज की बड़ी खबर यह है कि रूस अब भारत से सिरिंज, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैनर और इम्प्लांट्स जैसी मेडिकल डिवाइसेज की भारी मात्रा में सप्लाई चाहता है। आने वाले 5 सालों में भारत इन डिवाइसेज का एक्सपोर्ट 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा है। रूस की प्रसिद्ध समाचार एजेंसी टास मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रूस अब भारत से भारी मात्रा में मेडिकल डिवाइसेज की सप्लाई चाहता है। दिन प्रतिदिन भारत की पहचान न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि यूरोपीय देशों में भी बढ़ रही है। भारतीय प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के कारण भारत की बाजार में पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो देखा आपने कैसे भारतीय मेडिकल डिवाइसेज की क्वालिटी ने रूस को मजबूर कर दिया कि वह भारत से ही इनकी सप्लाई ले। यह मेक इन इंडिया की एक और बड़ी सफलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।